तो इधर पे हमारे आधे पेट्स आराम से घास खा रहे हैं। खरगोशों के लिए मैंने घास दी थी और ये सब भी आराम से खा रहे हैं। हमारी डक्स तो घास बहुत शौक से खाती हैं और स्नो और मुर्गी भी खा लेती है, ये भी खा लेते हैं हमारे चूजे मैक्स और जैनी। और हमारे सब कबूतर यहाँ पर आराम से चिल मार रहे हैं, सब एक साइड पर बैठे हुए हैं, खा पी इन्होंने अच्छे से लिया है, अब एक साइड पर बैठे हैं आराम से। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, आज धूप नहीं निकली, रात थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो गई थी, जिससे आज मौसम इतना अच्छा, देखें हवा चल रही है, तो थोड़ी देर बाद हम अपने कबूतरों को उड़ाएंगे। तो आज मौसम इतना अच्छा हो रहा, मैं तो सोच रहा हूँ आज मैं अपने स्नो को, हमारा स्नो इतने टाइम से बाहर नहीं गया और मैक जैनी तो कभी गए नहीं है, तो आज मैं मैक जैनी को पक्का बाहर लेके जाऊँगा। और स्नो को भी, मुर्गी तो हमारी जाती रहती है, मुर्गी को भी ले जाएंगे और अपने मैक जैनी को लेके जाएंगे। पहली बार हम इनको बाहर की दुनिया दिखाएंगे, आज तक कि बाहर नहीं गए, और स्नो को भी हम इतने टाइम बाद बाहर लेके जाएंगे, तो आज मैं इनको बाहर लेके जाऊँगा थोड़ी देर बाद। दोस्तों इस वाले घर के जो ये डोर हैं ये ऐसे पड़े हुए हैं, इनको मैंने अब तक नहीं लगाया, मुझे लग भी नहीं रहा था, फिर मैंने लगाया नहीं, और ये एक तो ख़राब भी हो गए पूरे। एक घर बहुत पुराना है मेरे पास, बहुत पहले जब मुर्गी मुर्गे थे तब मैंने ये बनवाया था, और अब तो यार ये इतने मतलब पुराने से हो गए, इनमें ठीक से कील लगी नहीं रही थी, तो मुझसे लगे नहीं, मैंने लगाया नहीं। एक बार मैं खैर और कुछ करूँगा, लग गए तो ठीक है, बना फिर ये जुगाड़ है तो हम इसी को लगाए रहेंगे, हमारी डक्स इसमें आराम से रह लेती हैं। तो रात बारिश आई थी ना और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, जिससे हमारा ये बर्तन है ये, जिसमें हम इनको अपनी डक्स को खाना देते हैं, यहाँ पर हुआ था यहाँ से गिर के टूट गया, कोई नहीं, मैंने अपनी डक्स को इसमें खाना दे दिया, इसमें भी आराम से खा रही है, इन्होंने देखें खा लिया, मैंने इसको दो बार भरा था, इन्होंने दोनों बार खाली कर दिया है। इन्होंने ना अभी अपने कबूतर को उड़ा, ये उड़ा हमारा वाइट वाला मेल, और बच्चा कहाँ पे, वो कहाँ गया, वो तो इससे भी ऊपर उड़ रहा है आजकल, ये तो नीचे नीचे उड़ता है, इसके बच्चे ने इसको पीछे छोड़ दिया। सिम्बो कहाँ पे, ये उड़ रहा, हाँ ये है, और बाकी जो आपको ये कबूतर दिख रहे हैं ये शायद आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर चार या पांच कबूतर उड़ रहे हैं, ये यहाँ पीछे किसी के हैं, वो अपने कबूतर उड़ा रहा है, और हमारा भी इसमें मिक्स हो गया, लेकिन हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बात बचपन से हमारे पास है, कहीं नहीं जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, वो उड़ रहा है। और वो कहेंगे मेल मेल कहेंगे, ये उड़ रहा है, ये तो ऐसे नीचे नीचे उड़ रहा है, तो इनको उड़ने देते हैं। हमारे भी यार कुछ टाइम में ऐसी चार पांच कबूतर साथ में उड़ेंगे, देखें ये भी ऊपर बैठा है, इसको ऊपर बिठा लिया, क्या कि ये इन दोनों को देखे अपने बाप और भाई को उड़ना सीखे, कुछ टाइम में ये भी इनके साथ उड़ेगा। मेल तो नीचे आ गया है, इसका बच्चा कहाँ है, असीम इसका बच्चा कहाँ है, ओए तुम दोनों इसका बच्चा कहाँ है, ऊपर वो रहा, वो देखें वो अभी तक उड़ रहा है और ये नीचे आ गया है। तो ये बार बार कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर बैठ रहा है, ऐसी इसकी आदत बनेगी, और चार से पाँच दिन हम इसको ऐसे करेंगे तो ये उड़ना भी ठीक सीख जाएगा। दोस्तों अभी असीम ना स्नो को लेके आया है, आज हम क्या कर रहे हैं इस वाली पेटी को ठीक करेंगे, क्योंकि इसका गेट उठ देखिए यार कैसे नीचे लटक गया, ख़राब सा हो गया है, तो इसको हम हटा के फिर से लगाएंगे, और हो सकता है आज हम इसके भी डोर लगा दें। तो इसके पीछे भी हमें हटा रहा था, मैंने देखा एक चिपकली है, फिर जब मेरे कज़न ने देखा तो दो चिपकली, और तो भी हम अपने स्नो को लेके आएँ, ये शायद खा लें, क्योंकि इसने इससे पहले भी एक दो चिपकली खाई है, तो चल असीम लेके आ, कहाँ है डाल असीम इसमें डाल। दोस्तों देखते हैं कि हो सकता है हमारा स्नो खा ले, स्नो खाओ, ये देखें दोस्तों कैसे कर रहा हमारा स्नो, वो भाग गई डर के यार, हट के, आप सबने देखा कैसे डर के भागी वो चिपकली एकदम, हमारा स्नो उसको एकदम देखने लगा, खा ही लेता, और हैं रियान और हैं। दोस्तों मेरा कज़न ना वहाँ से एक और चिपकली निकाल रहा है, कहाँ गई, आई तो नहीं, लेके आओ जल्दी, पास में लेके आओ, स्नो छोड़ेगा नहीं, अगर उसको एक बार मिल गई है स्नो, ये आ गई गई वो। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी चिपकली नहीं, पता नहीं यहाँ पर कब से रह रही थी, बिल्कुल काली काली यार, हमारे स्नो को तो एक भी नसीब नहीं हुई। दोस्तों मेल फीमेल दोनों अंदर है, मेल अब मुझे देख के बाहर आ गया है, और दोस्तों माशाल्लाह से इनका दूसरा बच्चा भी निकल आया, शाम मैंने चेक करा था कल, और इनका दूसरा बच्चा भी निकल आया, हो सकता है इनका तीसरा भी निकल आया हो, पर नहीं अभी मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं आपको तीन से चार दिन बाद इनके सब बच्चे दिखाऊंगा, जितने भी निकल आएंगे और खुद भी देखूंगा, तभी ऐसे ही देख बार बार देखूंगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी अर्ज भाई इस पेटी का काम कर रहे हैं हमारे कज़न के साथ मिलकर। दोस्तों मैंने इन सबको दाना डाल दिया और ये सब आराम से अपना दाना खा रहे हैं, वो देखिए हमारी मुर्गी अपने बाहर मज़े से टहल रही है। दोस्तों आज मैंने सोचा था मैं अपने स्नो को मैक जाने को बाहर लेके जाऊंगा, हमारी मुर्गी तो बाहर चली गई, बाहर मौसम के मजे ले रही है, पर इन दोनों को मिल लिए, इन तीन को मैं नहीं लेके जा सका, क्योंकि यार पेटी का काम मैं करवा रहा हूँ, जिस वजह से नहीं लेके आ पाया, खैर कोई नहीं, हम इनको कल या फिर संडे को ले जाएंगे। रैबिट के काम देखें, ये जो आप पन्नी देख रहे हैं जो हमने इस घर की छत पे लगाई थी, इन्होंने देखें पंजे मार मार के देखें कितनी फाड़ दी है, ये हमारे स्नो के लिए, देखो ये पन्नी खा रहे हैं, क्या काम है ये तुम्हारे, अब इसमें बारिश का पानी जा गया, देखें इन्होंने यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी फाड़ दी, और देखें ये सीमेंट लगाया था, इन्होंने पंजे मार दिया और ये भी सारा छुटा दिया, यार तुम ये क्या करते हो, मुझे यार सब पे सीमेंट लगा देना चाहिए फिर से, वरना ऐसी पूरी पन्नी फाड़ देंगे, यार बारिश होने, बारिश का मौसम वैसे ही, कहीं हमारे दरबे में पानी चले जाए, चलो उतरो ऊपर से, ये मत खाया करो तुम, जाओ। हमने इस घर का काम बस कंप्लीट ही करा था, ये देखें हमने वो वाले डोर नहीं लगाया क्योंकि वो ख़राब होगा, हमने ये नए लगा दिए, देखें कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ये वाला हमने परमानेंट फिक्स यहाँ पे कर दिया बड़ा सा, और ये देखें कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, हमारी डक का घर पूरा तैयार हो गया, बस यहाँ पर मैं लॉक वॉक लगा दूँगा फिर ये बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा, और इसको भी हमने बिल्कुल कम्प्लीट कर लिया, इनको हम मैं बंद कर रहा था, और ये मेरा कज़न यहाँ पर ऐसे डोर वोर देख रहा था, इतने में ही
वो हमारी कबूतरी बैठ हुई थी, मुझे शक हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार कुछ करती होगी वो अपने लिए, मैं खरगोशों को बंद करने लगा, इतने मुझे बताया कबूतरी अंडा दे दिया। वो ये देखें यार, हमारी कबूतरी ने बाहर अंडा दे दिया, तभी इतने टाइम से बेचैन थी हम, मतलब इतने टाइम से इसके घर रिपेयर कर रहे हैं और ये बार बार वहाँ पा रही है किसका। हाँ अब एक दो दिन छोड़ के अंदर हो सकता है इसके बैठे, अंडा तो टूटा नहीं है ना। हाँ। टूटा नहीं है तो ये बैठेगी इसके अंदर ही रख देंगे, बैठ जाएगी यकीनन। हाँ क्योंकि यार वो इतने टाइम से परेशान थी, तभी मैं सोच रहा हूँ मेरे पास बार बार क्यों आ रही है, मुझे लगा उसको सोना होगा इसलिए आ रही है। अपने को क्या पता उसको अंडा देना है। चल जल्दी से अब इसको रख। हाँ ऐसा करते हैं, अब जल्दी से हम इस पेटी को वहाँ पे सेटअप करते हैं और इसका अंडा इसके घर में रख देते हैं। सबसे पहले ये काम करते हैं, पेटी को रख देते हैं वापस। पेटी हमने इनकी जगह पर वापस रख दी, अगर हम पता होता यार ये अंडा दे गया तो पेटी हम पहले से ही रख देते, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से अंडे में से बच्चा निकल आएगा क्योंकि अंडा टूटा नहीं है, इस पर क्रैक नहीं आया। देख ले कोई क्रैक व्रैक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ उन्होंने बिल्कुल बैठ के दिया है, क्या सूंग रहा उसे। चल रख दे ऐसी आराम से, एक दो दिन में ये अपना दूसरा अंडा भी दे देगी। यार अभी बच्चे निकाल के उठी है, फिर से इन्हें अंडे दे दिए, बहुत तेज तेज ये यार ब्रीडिंग कर देगी। चल अब इसको लिया, यार परेशान हो रहे हैं हमारे कबूतर यार, ये तो अपनी में ही लगे रहते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, दिन है रात है, बस खाना है, कुछ भी खाने मिले वो देखो वहाँ पे वो गत्ता खा रहा है। चलो जाओ अंदर जाओ। अब मेल तो यार थोड़ा परेशान हो गया होगा, ये अंडा कैसे आ गया, बैठ गई। हाँ वो मेल थोड़ा भी डिस्टर्ब करा, वो देखो दोस्तों फीमेल जाके बैठ गई अपने अंडे पे, तो यार अच्छी बात है यार, सब कबूतर आ गए देखने दे। दोस्तों ये घर भी हम अब डक्स की जगह पर रख देंगे, देखें डोर कितने आराम से ही हो रहा है, काम कर रहा है बिल्कुल बढ़िया। और स्नो को चिक्स को मैंने बंद कर दिया था, मुर्गी हमारी अभी तक नीचे, उसको भी मुझे लेके आना है, बहुत देर हो गई यार। इसी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी, मिलेंगे कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।